कहते हैं जीत और मेहनत एक दिन रंग जरूर लेके आती है, और ऐसा ही कारनामा हमारे गोहाना खेड़ी दमकन की बेटी सुभद्रा देसवाल ने किया है। यूजीसी नेट में 7th रैंक इनकी आई है ऑल ओवर इंडिया। सुभद्रा बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर आपके चैनल पे। मतलब क्या कुछ कामयाबी है, क्या विजन है और कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके पीछे? सर कामयाबी तो ये बहुत बड़ी है मेरे लिए जो मैंने अचीव की है अभी, लेकिन मेरी ये मतलब जीवन की अभी लक्ष्य मेरा यूपीएससी क्रैक करना है और मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ सर, और उसमें टॉप करना मेरा एम लक्ष्य है जो मैंने डिसाइड किया है। लेकिन अभी जो मैंने किया है वो बहुत ही अच्छा है, उससे मेरे सब घर पर बहुत खुश है। मैंने टॉप किया इंडिया में, रैंक अच्छा लिया, तो ये एक मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है लाइफ की जो साथ में, लेकिन फाइनल यूपीएससी। अच्छा कितना पढ़ना पड़ता है इस सब के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, कितनी देर पढ़े, कैसे पढ़े, किस तरह से पढ़ाई की? सर शॉर्टकट से तो कुछ भी हम हासिल नहीं कर सकते, किसी भी कामयाबी के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। और मैंने भी सर कई साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं 3 साल से लगातार यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और साथ में मैंने यूजीसी की तैयारी की, और मिनिमम 8 से 9 घंटे मैं डेली पढ़ती हूँ, मिनिमम है वो, एग्जाम टाइम में बढ़ भी जाते हैं घंटे उसके अकॉर्डिंग। तो मतलब 8 से 9 घंटे रोज पढ़? हाँ जी सर, ये मिनिमम करना पड़ता है इतना। कुछ लोग होते हैं जैसे फोन छोड़ दिया, ये कर दिया, कुछ कुछ अपनाते हैं मंत्र, आपने क्या अडॉप्ट किया कि मुझे क्या करना है? सर फोन जैसे सोशल मीडिया की बात है, जो आज के युवा ज़्यादा टाइम अपना उसी पे वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, सर मैं सोशल मीडिया में कुछ भी यूज़ नहीं करती एक यूट्यूब के अलावा, क्योंकि उससे मुझे अपने स्टडी का मटेरियल लेना पड़ता है, काफ़ी कुछ मैं उससे सीखने को मिलता है। बाकी मैं और कुछ सोशल मीडिया पे यूज़ नहीं करती, ताकि मेरा टाइम समय बचे और मैं मेरा माइंड डाइवर्ट भी ना हो, एक कंसंट्रेशन जिसे बोलते हैं डेडिकेशन के साथ स्टडी करना, उसके लिए सर मैं सोशल मीडिया से दूर रहती। तो परिवार का किस तरह से सहयोग रहा? सर परिवार का बहुत ज़्यादा सहयोग है, स्पेशली मेरे पिताजी का और माताजी का, घर में है जैसे भी को हर चीज़ मेरी टाइम पे होती है, मुझे किसी प्रकार का बर्डन नहीं होता घर पे, एक अपनी स्टडी के सिवाय। और उसके साथ मेरे पिताजी का बहुत ज़्यादा सहयोग है, उन्होंने उनका ही सपना है कि मैं यूपीएससी क्रैक करूँ और यूपीएससी में, और मेरा भाई सर छोटा बलराम, वो काफ़ी मोटिवेट करता है मुझे। मैं कभी फेज आता है, इतनी लंबी तैयारी होती है, डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ, बट फैमिली का बहुत सपोर्ट है, सब मोटिवेट करते हैं। और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहोगे, किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि इतनी सारी चीजें आज मार्केट में है, चाहे सोशल मीडिया है, बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं, कभी किसी की सुनते हैं कभी किसी की सुनते हैं। सर जैसे आप बोल रहे हो कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुनकर हम अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते, मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली हमें अपने अंदर से मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर हमें कुछ भी हासिल करना है तो हम अपने आप को खुद मोटिवेट करना पड़ेगा। मैं स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि अपनी डेडिकेशन के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, अच्छी मेहनत के साथ, अच्छी किताबों के साथ अगर आप लगे रहोगे तो आपका हार्डवर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, ये मैंने खुद देखा है। मैं अभी इस फेज पे चल रही थी कि शायद मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो अभी जैसे मैंने ये कामयाबी हासिल की, इसी तरह सबको अगर कोई हार्ड वर्क करता है तो मिलता है सर। कभी ऐसा भी हुआ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो नहीं हो रही तैयारी? सर बहुत होता है ऐसा फेज, बहुत आता है, और स्पेशली जैसे जिस प्रक्रिया के अंदर मैं इन्वॉल्व हुई यूपीएससी है, अपने आप में 1 साल का पूरा एग्जाम होता है, और उसके बीच मैंने फिर सोचा कि नहीं अभी अगर मैं इस फेज में चली जाऊंगी कि नहीं हो रहा है कुछ भी, तो वो मेरे लिए एक मुश्किल फेज हो जाएगा, तो इसलिए मैंने पहले सोचा कि मैं यूजीसी क्रैक करूंगी। नेट की मैंने परीक्षा दी और उसमें सर मैंने जीआरएफ हिस्ट्री में, वो बहुत ही मुश्किल होता है उस टाइम पे, क्योंकि मैंने भी पहले 3 अटेम्प्ट दिए सर, कामयाबी नहीं मिली, तो फेज आता है कि 1 नहीं हुआ 2 नहीं हुआ, फिर भी मैंने मतलब ये नहीं छोड़ा कि नहीं मुझे करना है तो करना है, मैंने अपने लगातार प्रयास करती रही। यूपीएससी में ही क्यों जाना है? सर मुझे सिविल सर्विस में जाके मतलब समाज की सेवा करनी है, वो नहीं है कि मुझे कि मतलब फाइनेंशियली नो स्टेटस, मुझे बस बचपन से सपना है मेरे पिताजी का कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। क्या बात है, एक अधिकारी बनना सपना है। हाँ जी सर। बिल्कुल, ये तो थी हमारे साथ सुभद्रा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हम सफलता पा सकते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं। अगर आपको भी सुभद्रा की इस प्रयास से कुछ प्रेरणा मिली है तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और यूपीएससी के लिए हम सुभद्रा को अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। कैन मीडिया के लिए गोहाना से अरुण कुमार।